मैडम त्रिशा अपने रूम में नहीं है, वो कहीं बाहर गई है। बाहर गई है? आपको आइडिया होगा ना इस वक्त वो कहाँ गई है? नो मैडम, कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, थैंक यू। इतनी सुबह सुबह कहाँ गई होगी? फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ हो तुम त्रिशा? निराश तो तुमने हमें बहुत किया है त्रिशा, और सबसे ज्यादा उर्मी को। त्रिशा वो तुम्हारे लाने हमेशा अपने घर पे लड़ती रही, और तुमने उसके ही घर में समस्याएं खड़ी कर दी, वो भी ऐसी कि उसकी ननद का घर टूटने की कगार पे है। त्रिशा, मौसा जी, मैं खुद धोखे का शिकार बन गई। सच मानिए, मुझे अमृत के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने तो मेरे साथ भी विश्वासघात किया। वो लड़का अच्छा नहीं है मौसा जी। उस लड़के के अच्छे बुरे होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो हमारी उर्मी के बारे में सोचना है। और त्रिशा, तुम इस सब चक्कर में काहे पड़ गई? तुम तो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए आई थी ना यहाँ। बस यही गलती हो गई मुझसे दादी, अमृत की बातों में आ गई। गलती मुझसे हुई है ये मैं मानती हूँ, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं ना दादी। जो भी हो त्रिशा, हम पे जे एक उपकार करो, तुम उन लोगों से माफी मांग लो और चली जाओ झांसी छोड़कर, चली जाओ झांसी छोड़कर। ये आप क्या कह रहे हैं मौसा जी? मैं अपनी ट्रेनिंग, अपना जॉब छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? यहाँ से तो काफी पहले ही निकल गई आज वो, शायद छुट्टी ली यहाँ से आज की। छुट्टी ली है? हाँ। त्रिशा फोन भी तो नहीं उठा रही है। त्रिशा, चाहे तुम्हारी गलती हो चाहे ना हो, लेकिन उर्मी का घर बचाने के लाने तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। जब भगवान भी कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी, हमारी एक बेटी का घर बचाने के लाने दूसरी बेटी की पूरी जिंदगी की मेहनत, पढ़ाई लिखाई सब दांव पे लगाने की शर्त रख रहे हैं। तुम्हारा हम पे बहुत एहसान होगा त्रिशा बेटा। उर्मी की जिंदगी बचा लो बेटा, उसका घर संसार बचा लो बेटा, वो प्रेग्नेंट है। त्रिशा बेटा, अगर कुछ भी इधर उधर हो गया ना तो सब खत्म हो जाएगा बेटा। सब तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में है बेटा। क्या कह रहे हैं आप मौसा जी? इससे ज्यादा हम और कर भी कह सकते हैं बेटा? लड़की वाले लड़ नहीं सकते सिवाय उनकी बात मानने के। ठीक है मौसा जी, अगर आप यही चाहते हैं मैं यहां से चली जाऊंगी। सब कुछ छोड़ के, अपनी जॉब, अपनी ट्रेनिंग, सब कुछ छोड़ के। अगर आपकी यही मर्जी है मौसा जी, तो
मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सुनिए, हम एक काम करते हैं, एक बार दमाजी से बात करके देखते हैं, कम से कम त्रिशा की नौकरी के लाने। तैयार हो जाओ सरोज, उर्मी की ससुराल चलना है। सिलेक्शन हो गया? हो गया, और नेक्स्ट वीक से ट्रेनिंग भी शुरू हो रही है मेरी। अरे वाह, त्रिशा तुमने तो कमाल कर दिया। अरे जो अच्छे अच्छे लोग ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, जो तुमने किया है। त्रिशा तुम कहाँ हो? हम कब से तुम्हें फोन लगा रहे हैं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? हो कहाँ तुम? तुम्हारे हॉस्टल आए हैं तुमसे मिलने, तुम्हारी कोई खबर नहीं है, हुआ क्या है? तुम हॉस्टल क्यों गई हो? तुमसे बात करने त्रिशा। देखो त्रिशा, तुम किसी के बातों में नहीं आओगी, तुम किसी का कहा कुछ नहीं करोगी, तुम किसी से माफी नहीं मांगोगी, समझी तुम? त्रिशा, जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बिना वजह तुम किसी से माफी मांगो या अपना काम छोड़ो, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है त्रिशा। बेवजह की सजा तुम नहीं भुगतोगी। रहने दो उर्मी, जाने दो बात को, और जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं गलती तो मेरी भी है। इनफैक्ट पूरी गलती मेरी ही है, इसलिए सजा की हकदार तो बन ही चुकी हूँ। और क्या पता ये सजा मुझे कोई सबक सिखाने के लिए मिल रही हो। त्रिशा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? बस उर्मी, थक गई हूं मैं, अब खत्म करो बात को, जाने दो इसे, और तुम अपने घर जाओ। नहीं त्रिशा, हम जिस त्रिशा को जानते हैं वो कभी गलत का सपोर्ट नहीं करेगी, वो हार मानने वालों में से नहीं है, वो गलत के खिलाफ लड़ने वालों में से है। और हाँ, लेकिन जब बात अपनों की आती है तो सब कुछ बदल जाता है। अब मैं रखती हूँ फोन, ठीक है? नहीं त्रिशा, हम तुम्हें इस तरह से हारने नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं, किसी कीमत पर नहीं। ये लीजिए आपका फोन, चार्ज हो गया है। दामाद जी, आप काम का करते हो? आज तलक तो हमें समझ ही नहीं आया, बताइए ना दामाद जी, आप काम का करते हो? बहू तुम भी ना, काय तंग कर रही हो दामाद जी को? इतने सालों बाद पहली बार घर आए हैं, इनकी खातिरदारी करनी चाहिए, और तुम ओके सवाल दागे जा रही हो बेकार में। हा? चलो बेटा, तुम हलवा खाओ। अदिति ने बताया था कि तुम्हें आटे का हलवा बहुत पसंद है, तो हमने तुम्हारे लाने बना दिया। लाइए मम्मी जी, ये तो आपका प्यार है। उर्मी कहाँ है? वो है ना, मंदिर गई है, आज अमावस है ना, तो होने वाले बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य कामना के लाने गई है। अच्छा, गुड।
हमें भी हलवा खिलाओ भाई। क्या बात है, क्या टाइमिंग पे बना है हलवा, अभी डबल टेस्ट आएगा। चलो आइए पापा, आइए मम्मी जी, प्रणाम। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्कार। तो पापा ये है हमारी बहन अदिति। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। और ये है हमारे बहनोई अमृत। अदिति बेटा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। दरअसल त्रिशा को पता ही नहीं था कि पापा क्या कर रहे हैं आप क्यों माफी मांग रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे और आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। माफी तो इन्हें मांगनी है। ये मांगेंगी माफी सबके सामने, और वो भी मेरी बहन के पैर छूकर। अरे बेटा एक मिनट पापा, बीच में नहीं बोलेंगे आप, इनफैक्ट कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। जिसे बोलना है, जो बोलने आया है वो बोलेगा। मतलब फिलहाल सिर्फ और सिर्फ त्रिशा जी बोलेंगी। चलिए त्रिशा जी शुरू हो जाइए। चलिए जल्दी कीजिए। देखिए आपके इन सब कामों के लिए मेरे पास अलग से वक्त नहीं है, आई एम अ बिजी मैन। फटाफट अपना काम निपटाइए ताकि मैं भी अपना काम देखूं, है कि नहीं? चलिए
रुक जाओ त्रिशा, रुक जाओ त्रिशा। बिना गलती के माफी नहीं मांगोगी तुम? उर्मी, क्या चल रहा है सब भाई? क्या हो रहा है? और ये माफी क्यों नहीं मांगेगी? क्योंकि ये निर्दोष है सम्राट जी, इसकी कोई गलती नहीं है। इसने ऐसे कोई गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से इसे माफी मांगनी पड़े। उर्मी, रहने दो। तुम बेकसूर हो त्रिशा। और ये बात आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे ना दामाद जी। उर्मी बेटा, अब जो हुआ अब... एक मिनट पापा, आपको इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है। अब आप अपनी असलियत खुद बताएंगे या नहीं? क्या बकवास किए जा रही हैं आप उर्मी? क्या बोली क्या जा रही है आखिर? जो सच है बता चुका है ना मैंने। क्यों भाई फिर त्रिशा ने जो भी किया उसके लिए उसे माफी मांगनी पड़ेगी। वो कोरा झूठ था सम्राट जी। सच्चाई कुछ और है और उसके अनुसार गलती दामाद जी की है। इन्होंने धोखा दिया है दीदी और त्रिशा को। भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, प्यार का मजाक बनाया इन्होंने। सच्चाई अब ये खुद अपने मुंह से बताएं। त्रिशा इनसे नहीं, ये खुद त्रिशा से माफी मांगेंगे। माफी मांगेंगे कि नहीं आप? भाभी जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं क्यों माफी मांगूं? अपनी हद में रही उर्मी आप। आप असलियत बताते हैं या नहीं? अब कौन सा सच जानना बचा है भाभी जी? मैं सारा सच बता चुका हूं। ठीक है दामाद जी, अगर आप असलियत नहीं बताएंगे तो हमें खुद सबके सामने आपकी असलियत लानी पड़ेगी। मुक्ति भैया, इधर आइए। बाहर कुछ लोग हैं, उन्हें अंदर लेकर आइए। क्या ड्रामा क्या कर रही हैं आप? एक मिनट सम्राट जी, बस एक मिनट। उर्मी बेटा, बात क्या है? साफ साफ तो बताओ। पापा, अभी सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या है, कौन है ये लोग भाई?
हाँ भैया, आप जानते हैं उन्हें? उन्हें? जी मैडम। बताइए क्या बताना चाहते हैं आप इनके बारे में? ये आते थे मैडम से बातें करते थे, मैडम को कॉफी पीने के लिए बोलते थे, हमारे साथ चल के कॉफी पीनी पड़ी। मैडम मना करती थी फिर भी नहीं मानते थे। जानना पहचान और चल दूं आपके साथ कॉफी पीने के लिए? रोज रोज चक्कर लगाते थे, मोटरसाइकिल पे आके घूमते थे, इंतजार करते थे मैडम का, और मैडम नहीं आती थी फिर भी नहीं मानते थे, खड़े रहते उधर ही।